हेलो बच्चों, सो हम लोग यहाँ पे छोड़े थे। नहीं, यहाँ पे हमने क्या क्या लिखा था? अभी हमने बस लिखा कि यहाँ पार्ट डिफरेंस जीरो है, इसको हमने बोल दिया सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ पार्ट डिफरेंस लैम्डा को फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड मैक्सिमा पे पार्ट डिफरेंस टू लैम्डा, बिकॉज एंथ मैक्सिमा पार्ट डिफरेंस क्या होता है? एन लैम्डा। सो यहाँ सेकेंड मैक्सिमा पार्ट डिफरेंस टू लैम्डा, थर्ड मैक्सिमा पार्ट डिफरेंस थ्री लैम्डा, फोर्थ मैक्सिमा पार्ट डिफरेंस फोर लैम्डा, उतना ही ऊपर उतना ही नीचे। सिमिलरली फॉर फर्स्ट मिनिमा पार डिफरेंस 0.5 लैम्डा, फॉर सेकंड मिनिमा इट्स 1.5 लैम्डा एंड सो। जब डेल्टा एक्स मालूम है तो हम लोग डेल्टा फाई निकाल सकते हैं। अब हाइट ऑफ एंथ मैक्सिमा क्या था? एन लैम्डा डिवाइड डी। सो हाइट ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा क्या है? जीरो, हम लोग हाइट दे रहे हैं इससे। हाइट ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा क्या होगा? लैम्डा डिवाइड डी। थोड़ा छोटा मैं लिख रहा हूं, बस होपफुली आपको दिख रहा होगा। हाइट ऑफ सेकेंड मैक्सिमा टू लैम्डा डीवाईडी, हाइट ऑफ थर्ड मैक्सिमा थ्री लैम्डा डीवाईडी, हाइट ऑफ फोर्थ मैक्सिमा फोर लैम्डा डीवाईडी। सबको दिख रहा है ना? ओके। और वो नीचे भी जाएगा, मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, बेकार गंदा लगेगा आपको। सिमिलरली हाइट ऑफ एंथ मिनिमा क्या होगा भाई? तीथा टू एन प्लस वन लैम्डा डीवाई टू डी। यह है हाइट ऑफ सेकेंड मिनिमा, हाइट ऑफ थर्ड मिनिमा, हाइट ऑफ फोर्थ मिनिमा। हमने एन जीरो से स्टार्ट किया, फर्स्ट पे एन जीरो, यहां पे एन वन है, एन टू है, एन थ्री है, इतना नीचे। अब अगर हम बात करें इंटेंसिटी का आई, सो जितने भी हम मानते हैं दोनों सोर्स का इंटेंसिटी आई और आई है, इक्वल इंटेंसिटी इज कमिंग। So, अब बताओ मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगा? फॉर मैक्सिमा 2i इंटू वन प्लस कॉस फाइव था ना, कॉस फाइव क्या होगा? 1, सो 2i इंटू वन प्लस वन फोर आई। कोई दिक्कत? इफ कल भी हम लोग किए थे, अगर दोनों सोर्स का इंटेंसिटी सेम है i और i, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगा? cos phi 1 रख देंगे, बिकॉज हमने यही स्टार्ट किया था, फॉर मैक्सिमा cos phi शुड बी इक्वल टू 1। तो cos phi 1, तो 1 प्लस 1 2। और पूछ क्या cos phi 1 क्यों? गधे हो क्या? कल नहीं पढ़े थे क्या? इसी क्लास में पूरा यही बके आ रहे हैं कि i ने ठहरा i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos phi, फॉर मैक्सिमा cos phi शुड बी मैक्सिमम एंड फॉर मिनिमा cos phi शुड बी मिनिमम। सो फॉर मैक्सिमा cos phi 1 है, 1 रख दिए। फॉर मिनिमा क्या होगा? आई मिनिमा, कलर चेंज हो गया, क्या होगा? टू आई इंटू वन प्लस कॉस फाइव माइनस वन जीरो। मतलब जहां जहां मैक्सिमा है वहां पर इंटेंसिटी क्या होगा? फोर आई। सो अगर हम बात करें इंटेंसिटी की, सो यहां इंटेंसिटी कितना होगा? फोर आई। यहां भी कितना होगा? फोर आई, फोर आई। हर मैक्सिमा पे इंटेंसिटी क्या होगा? फोर आई। सो आगे नहीं लिख रहा हूं। एंड हर मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगा? जीरो। ये कब है? ये कब है? जब दोनों सोर्स का इंटेंसिटी सेम है, अदरवाइज पे हम लोग कैलकुलेट करना जानते हैं, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। सो नाउ वी कैन फाइंड हाइट ऑफ एंथ मैक्सिमा, वी कैन फाइंड डेल्टा एक्स एट एंथ मैक्सिमा और एंथ मिनिमा, वी कैन फाइंड पार्ट फेज डिफरेंस एट एंथ मैक्सिमा और मिनिमा, इंटेंसिटी एट एंथ मैक्सिमा और मिनिमा, सब कुछ निकल जाएगा, कोई दिक्कत? सो व्हाट इज कंजेक्यूटिव गैप बिटवीन टू मैक्सिमा? कितना है बताओ तो? व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्यूटिव मैक्सिमा? डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्यूटिव मैक्सिमा, बताओ कितना है? दो कंजिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच कितना डिस्टेंस है? पहला मैक्सिमा कहां है? जीरो, सेंट्रल मैक्सिमा। इसके इसके बीच क्या? लैम्डा डिवाइडी, लैम्डा डिवाइडी, देखो जीरो लैम्डा डिवाइडी, लैम्डा डिवाइडी टू लैम्डा डिवाइडी, मतलब कितना गैप है? लैम्डा डिवाइडी। इसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ। इसी का नाम है फ्रिंज विड्थ।
हम लोग जो कि पढ़ेंगे वो ऑप्टिक्स में बीटा। फेज विड्थ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव मैक्सिमम, किसी भी दो कंजिक्यूटिव मैक्सिमम के बीच का गैप क्या होता है? फ्रिंज विड्थ, दैट इज लैम्डा डी बाय डी। कोई दिक्कत? किसी दो मिनिमा के बीच गैप भी क्या होगा बताओ तो? लैम्डा डी बाय डी एंड लैम्डा डी बाय टू डी एंड थ्री लैम्डा डी बाय टू डी, कितना गैप है? अगेन लैम्डा डी बाय डी, लैम्डा डी बाय डी, लैम्डा डी बाय डी। सो लिख लो, लिखो पहले इसको, छापो फटाफट, छापो फटाफट, छापो। छाप लिए, लिखिए डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा इज कॉल्ड, इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, दैट इज लैम्डा डी बाय डी। सो जितना कुछ हम बोर्ड पे लिखे अगर आप ये समझ गए तो आपका क्लास ट्वेल्थ बोर्ड का YDSC खत्म हो गया। बोर्ड में इतना ही से क्वेश्चन पूछता है, एक थोड़ा सा आता है कि सेटअप में पानी में डाल दिए या कुछ मीडियम में, अदरवाइज खत्म। लैम्डा वहां बस चेंज कर देगा, कुछ नहीं होने वाला है। ट्वेल्थ बोर्ड में इतना ही पढ़ा जो आपके बोर्ड पे बना हुआ है YDSC में, और समझो कि YDSC और ऑप्टिक्स का 50% सिलेबस का पार्ट है, तो 50% बोर्ड का सिलेबस इसी से खत्म हो गया है ट्वेल्थ में। हम और इसको डिटेल में करेंगे, अभी इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूरा लेक्चर इसी पे क्वेश्चन करेंगे। समझ गया हो? मैं इसको साफ कर रहा हूँ बोर्ड को। छाप लियो सब कुछ, तो नहीं लिखो स्क्रीन वीडियो पॉज करो, नोट कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कितना मजा है, क्लास में काम नहीं कर सकते कि वीडियो पॉज कर छापो, वहाँ तुम लोग रुकवा लेते थे, सर नहीं लिखे रुक जाइए तब तक हम बातें करते हैं, बट यहाँ वो मौका नहीं है, फटाफट लिखना है, नहीं तो वीडियो पॉज करके लिखना है, कोई उपाय नहीं है। ये ओके, सो अब क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सिंपल। अभी हम जो दे रहे हैं स्टैंडर्ड सेटअप दे रहे हैं, स्मॉल डी मेरा 1 मिलीमीटर है, कैपिटल डी 1 मीटर है, लैम्डा है 500 नैनोमीटर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फ्रिंज विड्थ। सेटअप यही है, मैं फिगर बनाने रहा हूं बट ये सेटअप है फॉर दिस सेटअप। आप मान के चलना मैं बोलूंगा, चलो मैं हर जगह बोलूंगा इन स्टैंडर्ड YDSC सेटअप, मतलब समझ जाओ क्या दे दिया हमने, इन स्टैंडर्ड YDSC सेटअप। व्हाट इज YDSC? YDSC इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हम लोग पढ़ेंगे बाद में, मतलब उसका सेटअप, अभी जो हम सेटअप पढ़े थे वो YDSC का ही है। मैं बार बार भौंक रहा हूं, ये सेटअप है YDSC का, इस सेटअप का ही नाम है YDSC सेटअप। तो इस सेटअप में आपको स्मॉल डी दिया हुआ है, कैपिटल डी दिया हुआ है, इससे जो लैम्डा आ रहा है वो लैम्डा दिया हुआ है। पहला है फाइंड फ्रिंज विड्थ, पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड फ्रिंज विड्थ। सो व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? बीटा क्या होता है? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। व्हाट इज लैम्डा? 500 नैनोमीटर। व्हाट इज कैपिटल डी? व्हाट इज स्मॉल डी? व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? 0.5 मिलीमीटर। सबका सही है? जिनका नहीं सही है फ्रंट कैमरा ऑन करो और बोलो मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। भाई लैम्डा हमने रख दिया, कैपिटल डी रख दिया, स्मॉल डी 1 मिलीमीटर रख दिया और सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो, फाइंड हाइट ऑफ फिफ्थ मैक्सिमा एंड फिफ्थ मिनिमा। इसी क्वेश्चन में फाइंड हाइट ऑफ फिफ्थ मैक्सिमा एंड फिफ्थ मिनिमा, फाइंड हाइट ऑफ
फाइंड हाइट ऑफ फिफ्थ मैक्सिमा एंड फिफ्थ मिनिमा, फाइंड हाइट ऑफ फिफ्थ मैक्सिमा एंड फिफ्थ मिनिमा, हो गया। सो हमको क्या निकालना है, y ऑफ फिफ्थ मैक्सिमा, तो मैक्सिमा का हाइट क्या था, एल लैम्डा डी वाई डी। सो फिफ्थ मैक्सिमा मतलब क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू फाइव मीन्स फाइव लैम्डा कैपिटल डी वाई स्मॉल डी, समझो एन इक्वल टू जीरो को बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, तो फॉर फर्स्ट मैक्सिमा एन इज वन लैम्डा डी वाई डी हो जाएगा हाइट, फॉर सेकेंड मैक्सिमा एन इज टू सो हाइट इज टू लैम्डा डी वाई डी, फॉर थर्ड मैक्सिमा एन इज थ्री सो हाइट इज थ्री लैम्डा डी वाई डी, सिमिलरली फॉर फिफ्थ मैक्सिमा एन इज फाइव सो हाइट इज फाइव लैम्डा डी वाई डी, अब रखो वैल्यू फाइव, व्हाट इज लैम्डा, 500 नैनोमीटर, डी वन स्मॉल डी दिस, दैट इज 25 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर, 2.5 मिलीमीटर, सही है गलत है, गलत लग रहा है, सही है, कोई डाउट है नहीं ना, ओके। अब हाइट ऑफ फिफ्थ मिनिमा निकालना है, अब बताओ इसमें एन क्या लेंगे, सो एन इक्वल टू जीरो पे ही फर्स्ट मिनिमा है, सेकेंड मिनिमा पे एन इक्वल टू वन है, तो फिफ्थ मिनिमा पे एन क्या होगा, फोर, अरे वाई ऑफ मिनिमा क्या था, टू एन प्लस वन लैम्डा डिवाइड टू डी, याद रखो वाई ऑफ मैक्सिमा क्या था, एन लैम्डा डिवाइड डी, और मिनिमा क्या था, 2n प्लस वन लैम्डा कैपिटल डी बाई टू स्मॉल डी। सो फिफ्थ मिनिमा में n क्या लेंगे, 5 या 4, 4, बिकॉज फर्स्ट मिनिमा पे n क्या है, 0, सो 4 लेंगे तो 9 लैम्डा डी बाई टू, रख तो वैल्यू सॉल्व करना आ जाएगा, कुछ है नहीं इसमें, 9 इंटू 0.5 बाई टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दिक्कत नहीं, बहुत आसान था। सो ये कब था, जब स्टैंडर्ड सेटअप था तब आराम से निकाल सकते हो, यही सब बोर्ड में पूछता है या कोई सब दिया हुआ है, फाइंड हाइट ऑफ एंथ मैक्सिमा एंथ मिनिमा फ्रिंज विड्थ सब निकल जाएगा। और क्वेश्चन करते हैं, ये S1 है ये S2 है, इसके बीच का डिस्टेंस है 2 लैम्डा, ये है 1 मीटर, लैम्डा इज 500 नैनोमीटर, देन क्वेश्चन इज फाइंड हाइट ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, मीन्स O से कितना ऊपर होगा फर्स्ट मैक्सिमा, फाइंड हाइट ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम, फाइंड हाइट ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम, फाइंड हाइट ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम, फटाफट करो, सिंपल हो गया, हाइट ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम है सो वाई इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा डिवाइड डी, लैम्डा कितना है, 5 इंटू 10 पावर माइनस 7, और इज कैपिटल डी 1, स्मॉल डी 10 पावर माइनस 3, यही ना, so, कितना आ गया 10 पावर माइनस 4 मतलब 0.5 मिलीमीटर, कितना आया 0.5 मिलीमीटर, वहां से गलत है, क्यों गलत है, अब हमेशा डाटा देखो, यहां पे डी क्या है 2 लैम्डा, और हमको एल निकालना क्या है फर्स्ट मैक्सिमा,
फॉर फर्स्ट मैक्सिमा डेल्टा एक्स क्या है, एन लैम्डा। अब बताओ क्या एन लैम्डा इससे बहुत छोटा है क्या? अगर आप देखोगे फॉर मैक्सिमा क्या था, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, यहां डेल्टा एक्स है डी साइन थीटा, एन इज वन। अब डी है टू लैम्डा साइन थीटा हाफ, किसी एंगल से थीटा स्मॉल है क्या बताओ? किसी भी एंगल से आपको थीटा स्मॉल दिख रहा है, तो आपको यही समझना चाहिए कि यहां पे डी एन हमने क्या किया वन, तो डेल्टा एक्स हुआ वन लैम्डा। डी वन लैम्डा से बहुत बड़ा नहीं है, दोनों कंपेरेबल है डेल्टा एक्स और डी, एन लैम्डा और डी कंपेरेबल है, मतलब थीटा स्मॉल नहीं है। वी कांट यूज साइन टा इक्वल टू टेन थीटा, और जब साइन टा इक्वल टू टेन थीटा नहीं है यह फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है। मैं बार बार ढोक रहा हूं, y इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी वाई स्मॉल डी तभी अप्लीकेबल है जब कैपिटल डी स्मॉल डी से बहुत बड़ा हो और थीटा स्मॉल हो, मीन साइन टा इक्वल टू टेन थीटा हो। और थीटा स्मॉल कब था? जब डेल्टा एक्स स्मॉल डी से बहुत छोटा था, एन लैम्डा डी से बहुत छोटा था। बट यहां डेल्टा एक्स लैम्डा है, ये इससे छोटा नहीं है, कॉम्पेरेबल है, तो हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं। हमको डेल्टा एक्स इक्वल लेना पड़ेगा डी साइन थीटा। डी साइन थीटा क्यों ले रहे हैं? कि अभी भी कैपिटल डी स्मॉल डी से बड़ा है, सो वी कैन यूज डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। बट नाउ वी कांट इक्वेट साइन थीटा टू टेन थीटा, तो हम डेल्टा एक्स को अभी डी टेन थीटा नहीं लिख पाएंगे, अभी मेरा डेल्टा एक्स डी साइन थीटा ही रहेगा। एम आई क्लियर? ये लिख सकते हैं क्योंकि अभी भी फर्स्ट असम्पशन वैलिड है, कैपिटल डी स्मॉल डी से बड़ा है। होपफुली आप समझ रहे होगे, जब साइन थीटा ये है देन व्हाट इज टेन थीटा, साइन थीटा 30, टेन थीटा 1 बाय रूट 3, अब टेन थीटा होता है वाई बाय डी इक्वल टू 1 बाय रूट 3, सो वाई बाय 1 इक्वल टू 1 बाय रूट 3, सो वाई इक्वल टू 1 बाय रूट 3, सो योर आंसर शुड बी प्लस माइनस 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 मीटर ऊपर भी और 1 बाय रूट 3 मीटर नीचे भी। सो वाई क्या आया 1 बाय रूट 3, सो हमारा आंसर क्या होगा? प्लस माइनस 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 मीटर ऊपर भी और नीचे भी, यहां से ऊपर भी 1 बाय रूट 3, नीचे भी 1 बाय, दोनों दो इसमें कितने मैक्सिमम मिलेंगे, मैक्सिमम कितने मिलेंगे इसके? मानता लैब में करें एक्सपेरिमेंट, इनफाइनाइट नहीं है। जैसे एकदम सेम क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि सेटअप कहां पे है, लैब में, तो लैब में इनफाइनाइट कुछ होता है क्या? नहीं। यहां जीरो, यहां लैम्डा, टू लैम्डा लेंगे क्या? पावर डिफरेंस टू लैम्डा कहां पे होगा? इन्फिनिटी पे। और लैब में क्वेश्चन दिया हुआ था, दिस सेटअप हैज बीन, दिस इज सेटअप इन लैब, दिस इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप, तो वहां कुछ इनफाइनाइट होता नहीं है, कभी पावर डिफरेंस टू लैम्डा नहीं होगा, लैम्डा जीरो लैम्डा, बिकॉज इन्फिनिटी पे टू लैम्डा होता, बट इसको काउंट नहीं करना है, इधर भी टू लैम्डा काउंट नहीं करना। कितने मैक्सिमम? 1, 2, 3। कितने मिनिमा? 1.5, 0.5, 0.5, 1.5, 4 मिनिमा, 3 मैक्सिमा। क्लियर? तो आंसर 0.5 मिलीमीटर होता क्या? नहीं, क्या होता? 1 बाय रूट 3 मीटर। सो क्वेश्चन देखते ही टूट नहीं पड़ना है, बस फॉर्मूला पुट कर दिए। ये पूरा प्रोसेस गलत है, लिख के काटना, अब बड़ा काटना, मतलब यही पढ़ लिए काटेंगे, ये अप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं अप्लीकेबल है? क्योंकि यहां पे थीटा स्मॉल नहीं है, यहां पे साइन टा इक्वल टू टेन थीटा नहीं कर सकते हैं, सो हाइट ऑफ एंथ मैक्सिमा एन लैम्डा डी बाई डी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमको पता नहीं चल रहा है कि आप लोग कौन लोग वीडियो देखे हैं, कौन नहीं देखे हो, सो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कंप्लीटेड। जो लोग पूरा देखा है वही लिखेगा कंप्लीटेड। कौन सा क्या लिखना है? कंप्लीटेड। सब लोग जो वीडियो देखेगा, अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, कमेंट करना है कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन स्टैंडर्ड वाईडीएसई सेटअप, मतलब सारा असम्पशन वैलिड है, जो हमने स्टैंडर्ड बोला मतलब दोनों असम्पशन वैलिड है।
there are two sources at my distance d, this is capital D, and there's a point P at height lambda d by 3d. Intensity of both wave is I, then find intensity at point P. Point P is at height lambda capital D by 3d from central maxima. Point P यहाँ पे रखा हुआ है, ये I और I है, तो point P पर I net क्या होगा? फटाफट in standard varying setup, intensity of both wave is I and I, and at point P at height lambda d by 3d from central maxima, then find intensity at point P. हो गया? कितना है? आई. सही है. देखते हैं. देखो अभी आपको क्या दिया हुआ है, टाइप ऑफ मतलब वाई दिया हुआ है, आई नेट निकालना है. आपको हम बता चुके हैं दो ही चीज होता है, या तो डेल्टा एक्स दिया हुआ है आई नेट निकालना है, या फिर बैक. अभी आपको ये दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है आपको, हाइट दिया हुआ है वाई, ओके, तो डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा. व्हाट इज टेन थीटा वाई बाई डी, इस पॉइंट के लिए टेन थीटा क्या होगा, वाई बाई डी, राइट. सो वाई इज लैम्डा डी बाई थ्री डी, डेल्टा क्या हो गया लैम्डा बाई थ्री डी. अब बताओ इस पॉइंट पे डेल्टा एक्स क्या होता है सेटअप में, डी टेन लिख सकते हैं ना, बिकॉज थीटा स्मॉल है, हमने बोला सेटअप स्टैंडर्ड है, दोनों ऑप्शन वैलिड है. ऐसे था डेल्टा एक्स डी साइन थीटा, बट फॉर स्मॉल थीटा बिकॉज बोथ ऑप्शंस आर वैलिड, डेल्टा एक्स इज डी टेन थीटा. बस हो गया, डेल्टा एक्स तो निकल गया मेरा, डी इंटू मेन एंड डेल्टा एक्स निकालना है, वो निकल गया, काम खत्म, लैम्डा बाई थ्री डी. सो डेल्टा एक्स निकल गया, व्हाट इज डेल्टा फाई, टू पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, टू पाई बाई थ्री. अब दोनों का आई सेम है, आई नेट क्या होगा, फॉर्मूला टू आई इंटू वन प्लस कॉस फाइव, वैल्यू रख दो कॉस फाइव, कॉस टू पाई थ्री माइनस ऑफ होता है, तो पता है, तो क्या आ गया आई. कोई डाउट नहीं, पक्का? मैं फिर से भौंक रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस तरह क्वेश्चन में मेन एम है टू फाइंड डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स निकलेगा, डेल्टा फाइव निकल जाएगा, डेल्टा फाइव से कॉस फाइव, कॉस फाइव से आई नेट. तो डेल्टा एक्स के लिए हमको आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, सो हम यहाँ से इसका एंगुलर पोजीशन निकाल सकते हैं, टेन थीटा. डेल्टा क्या हो गया, वाई बाई डी, तो वाई बाई डी, तो वाई है लैम्डा डी बाई थ्री डी, लैम्डा डी बाई थ्री डी बाई डी, डी डी कैंसिल, लैम्डा बाई थ्री स्मॉल डी. डेल्टा हो गया, तो डेल्टा एक्स था डी टेन थीटा जब दोनों जंक्शन वैलिड था, तो हमने बोल दिया स्टैंडर्ड मीन यहाँ पे कैपिटल डी स्मॉल डी से बड़ा है, थीटा भी स्मॉल है, तो डेल्टा एक्स है डी टेन थीटा, तो डी दिस 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 दिस. और जब आपको हम बोलते हैं डाटा कुछ नहीं दिया हो, इस तरह से दिया हो, तो आपको स्टैंडर्ड ही मान लेना है, ठीक है. जब भी आपको बोल दिया वाई डी एस, मतलब आपको स्टैंडर्ड मान के चलना कि दोनों जंक्शन वैलिड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप दे रहा हूं, ये गलती मत करना. चलो इन स्टैंडर्ड वाई डी एस सेटअप, सेटअप इज स्टैंडर्ड. Find intensity at point P. This point P at height 5 lambda capital D by 3D. ये capital D है, ये small D. जल्दी करो. Setup standard है. दोनों का intensity चलो चेंज करते. यहाँ से आ रहा है 4i और यहाँ से आ रहा है i. Intensity of wave coming from S1 is 4i. Intensity of wave coming from S2 is I, then find intensity at point P. This is 5 lambda d by 3d. क्या है? 5 lambda d by 3d.
हो गया ओके चलो मैं करता हूं। यहां वाई कितना दिया हुआ है 5 लैम्डा डी वाई 3 डी। एन वाई दिया हुआ है, जब वाई ये दिया हुआ है तो व्हाट इज टेन थीटा वाई बाई डी। मेरा एम क्या है, डेल्टा एक्स निकालना, डेल्टा एक्स क्या है डी टेटा से टेंटा निकाल रहे हैं, पिछला क्वेश्चन जैसा ही है। सो दैट इज 5 लैम्डा बाय 3 डी। Then what is delta x d tan theta, right? That is equal to d into 5 lambda by 3. So what is delta phi 2 pi by lambda into delta x. मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेम थिंग किए जा रहे हैं। tan pi by 3. अब बताओ cos tan pi by 3 क्या होता है? मैं सारे मतलब मालूम नहीं होगा क्या होगा, माइनस हाफ होगा ना पक्का। टेन पाई बाय थ्री किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में ना, 3π + π/3 राइट, 3π + π/3 माइनस हाफ सही है ना, सही है कि नहीं? अरे बोलो यार, सही है। सो फिर से अब आई नेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, I1 + I2 का दोनों एनर्जी सेम नहीं है, 2√I1 I2 cos φ। अब ये यूज करेंगे ना, अब दोनों का एनर्जी सेम नहीं है। सो I1 कितना है 4i + 2√4i i (-1)5i कहाँ से कितना निकलेगा 2i (2)4i (-1)-2i 3i। सही है, कितना का सही है, गुड। कोई दिक्कत, अरे I1 कितना है 4i, I2 है I(2√I1)I(2)4i (i cos φ - ½ आ गया, बस 4i(i)2i(2i)4i(4i)-½ - 2i 5i - 2i 3i। ठीक, चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप में। सो अब आपको स्टैंडर्ड YDSC सेटअप में किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालने बोलेगा, निकल जाएगा सिंपल। आपको क्या दिया रहेगा, मैं फ्लो चार्ट दे रहा हूं, आपको वाई दिया रहेगा, वहां से क्या निकलेगा वाई से टेन थीटा, कैसे y/d = tan θ। यहां से क्या निकालोगे टेन थीटा से, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यहां से डेल्टा एक्स निकलेगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, डेल्टा एक्स से निकलेगा डेल्टा फाइव से कॉस फाइव एंड कॉस फाइव से आई नेट। सो यहां से यहां निकल गया, इसका इतना स्टेप्स, कोई दिक्कत? जब भी किसी पॉइंट पे आई नेट निकालना है, वाई दिया रहेगा उस पॉइंट का पोजीशन, वाई से निकल जाएगा टेन थीटा से साइन थीटा से डी साइन थीटा, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स से डेल्टा फाइव से कॉस फाइव से आई नेट। अब उल्टा जाते हैं, आपको आई नेट दिया हुआ है, वाई निकालना है, तो उल्टा जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कल ऐसा याद है किए थे ना कि ऑब्जर्वर S1 से S2 जा रहा था, कितना मूव करना पड़ेगा टू गेट नेट 3i 2i, तो आई नेट दिया हुआ था और वहां पे पोजिशन निकालना, सेम थिंग यहां पे कि आई नेट से वाई जाना है, ऐसा कैसे जाएंगे, इससे ऐसे 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 स्टैंडर्ड सेटअप।
नहीं। सो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, इसको मिटाएं फटाफट छापो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एक क्वेश्चन देते हैं, मिटा रहा हूं। क्वेश्चन यह, देखो भाई बेल बज भी गई। क्वेश्चन क्या है, वी हैव स्टैंडर्ड वाइडिस सेटअप। क्वेश्चन लिखो, इन स्टैंडर्ड वाईडीएससी सेटअप, मींस आपको स्मॉल डी कैपिटल डी लैम्डा गिवन है। इन स्टैंडर्ड वाईडीएससी सेटअप, इन स्टैंडर्ड वाईडीएससी सेटअप, इंटेंसिटी ऑफ वेव्स कमिंग फ्रॉम बोथ सोर्सेज इज आई। इंटेंसिटी ऑफ वेव कमिंग फ्रॉम बोथ सोर्सेज इज आई। देन फाइंड हाइट ऑफ पॉइंट, देन फाइंड हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम। फाइंड हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा बिटवीन सेकेंड मिनिमा एंड सेकेंड मैक्सिमा, बिटवीन सेकेंड मिनिमा एंड सेकेंड मैक्सिमा। फाइंड हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा बिटवीन सेकेंड मिनिमा एंड सेकेंड मैक्सिमा वेयर इंटेंसिटी इज 3i। Find height of point from central maxima between second minima and second maxima where intensity is 3i। ये homework है आपको करके अगले class में आना है, ये homework आपको अगले class में करके आना है। देखो 3i हर minima maxima में 3i मिलेगा, कल ही पढ़े थे कि minima pain density 0 है, maxima पे 4i है, तो between every minima and maxima will get intensity 3i। So, आपको निकालना सेकेंड मिनिमा और सेकेंड मैक्सिमा के बीच के पॉइंट का हाइट जहां इंटेंसिटी 3i है। सो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इस पे दो क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। देन वी विल मूव टू रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ स्ट्रिंग वेव। अभी तक हम लोग जितना भी कुछ बात कर रहे थे, हमने आपको बोला सारा वेव का इन जनरल था, हम लोग स्ट्रिंग वेव के बारे में पढ़ेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर, सी यू।